राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार जी कहाँ रहने वाले हैं? हम सिंहपुरमा के रहने वाले हैं। किस नंबर वार्ड पर खड़े हैं आप? हम वार्ड नंबर 4। सभासद कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तो सिंधु सुनकर है। तो इस रोड बनने में कितना साल हो गया, कितनी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है? बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है भैया, कम से कम नहीं तो 20 साल के ऊपर हो गया होगा। विधायक कौन है? राम शरण भी जीते, वो भी बोले कि हम बनवाएंगे, सभासद बने तो वो भी बोले कि हम बनवाएंगे रोड, बढ़िया सुविधा देंगे, नहीं हुआ। फिर यहाँ के सौरभ श्रीवास्तव हैं, वो भी तो कभी 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 आते हैं विधायक, वो भी नहीं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ये तो सिंधु सोनकर जी का मेहरबानी है, थोड़ा सा मतलब काम जो हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है सब। ये सब पाइप फाइप सब लगभग 25-30 साल रोड बने हो। हाँ, कितने पार्षद बीते हैं? कोई नहीं सुनवाई हुआ, कोई सुनवाई नहीं। महापौर, भाजपा से यहाँ के विधायक सब लोग आए भैया, बहुत लोग आए, कोई देखिए लगा है बोर्ड में, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इतना इतना पानी लग जाता है, लोग गिरते हैं इसी में, पूछिए ना, गवाह तुम्हें खुद ही है, ये काफ़ी दिन से खराब है भैया। बहुत आपने शिकायत किया इससे? शिकायत करके करेंगे क्या, बोलते हैं हाँ बनेगा 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 बस, और कोई नहीं है। ये हुआ कि चलो बन जाए तो कम से कम सूरज एक लेयर बीत जाए तो मतलब आदमी लोग को सुरक्षित हो जाए। हाँ, गड्ढा है, पानी भरा है, कोई जा रहा है, गिर जा रहा है उसी में, बताइए क्या किया जाए। अमरनाथ सिंह। अमर जी कहाँ रहने वाले आप? हम सिंहपुरवा के रहने वाले हैं। कौन सा वार्ड नंबर ये है? वार्ड नंबर 4। क्या दिक्कत परेशानी आती है रोड में जो है? रोड हमेशा खराब, हमेशा बहुत दिनों से, कितने सभासद आए गए, बहुत दिनों से रोड खराब है। कितने सभासद? अरे आप जानिए कि 20-25 साल से, आज से नहीं है ये रोड खराब। यहाँ के विधायक सौरभ श्रीवास्तव हैं। अब ध्यान देते तो रोड बनता ही। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो देखिए रोड बता रहे थे, हमारे सभासद जी बगल में हैं तो बता रहे थे कि रोड में इस पर पास हो गया है रोड बनने के लिए, और पानी का अभी सीवर का पाइप लगा है, लोहे वाला जो सीवर की पाइप लग गया है यहाँ से वहाँ तक, इसके बाद सीवर का पाइप जाएगा तब फिर उसके बाद रोड बनेगा। लगभग कितने सालों से सब पड़ा हुआ है? अब बता तो रहे 20-25 साल से, इसी तरह जब से देख रहे हैं तो इसी तरह रोड पड़ा हुआ है, अभी कोई काम नहीं हुआ। कितनी आबादी होगी इसे? अब ये रोड नहीं, अब यहाँ से वहाँ जाएंगे बहुत बड़ी, अब बता नहीं सकते इसके बारे में आबादी कितना है। बहुत बड़ी घनी आबादी है इधर का, यहाँ से लेके पूरा रेलवे लाइन तक पूरा है, निराला नगर है सब, यही रोड जाता है निराला नगर, पद्मिनी होटल के बगल से। कहाँ रहने वाले हैं? सिंहपुरमा। क्या दिक्कत आ रही है रोड पर? रोड पर देखिए यही तो है कि आम जनता परेशान है। कितने सालों से? 30 साल। रोड न बनने की वजह क्या है? न बनने को न विधायक सुनते हैं, न सभासद सुनते हैं, न कोई सुनता है, न जोगी सुनते हैं, न मोदी सुनते हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि लोग अपना अपना थैली भर ले रहे हैं। तो यहाँ विधायक कौन है? सौरभ श्रीवास्तव। कभी आप लोगों ने शिकायत किया उनसे भी? बहुत मरतबे शिकायत हुआ और कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान देता है। जब यहाँ के सभासद नहीं ध्यान देते हैं तो विधायक क्या करे। मैं डॉक्टर नवीन कुमार मिश्रा, महमूरगंज निवासी। वार्ड रोड खराब है और क्या समस्या है? विगत सीवर बदलने के नाम पर, पाइप बदलने और डालने के नाम पर इसको पहले खोदा गया, उसके बाद इसमें सीवर लाइन की जगह केवल पाइप लाइन डाली गई पानी निकासी की, और सीवर की जो मेन लाइन है उसके लिए खुदाई की गई लेकिन वो डाली नहीं गई। तत्पश्चात बरसात शुरू होने से और बीचड़ गड्ढे बनने से उसी तरह उसको जमीन को काट के छोड़ दिया गया। लगभग कितने? लगभग 3 से 4 महीने से पीड़ित है। हमारे यहाँ क्लिनिक पर आने वाले मरीज भी कई बार इसमें घायल होते हैं, गिरते हैं। क्या ये रोड कभी बना है? विगत 15 सालों से मैं अपनी प्रैक्टिस चला रहा हूँ इस क्षेत्र में और मुझे नहीं लगा कि एक बार भी इस रोड की रिपेयरिंग भी हुई। यहाँ विधायक भाजपा सांसद कौन है? विधायक माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे यहाँ के यहाँ सभासद हैं वो सोनकर जी हैं, सिंधु सोनकर। महापौर भी यहीं के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, फिर भी सड़क की दुर्दशा, सब भाजपा संबंधित ही हैं, भाजपा पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। मगर रोड कभी नहीं बना? रोड आज तक अभी तक मरम्मत नहीं की गई। कभी कभी इस पे गिट्टी और पैचिंग मिट्टी की कर दी जाती है जो कि अस्थायी होती है।
कभी इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से या मंत्री से किया? एक दो बार डीएम के यहाँ लेटर साइन करके डाले गए, लेकिन कोई विधिक कार्रवाई उस पर नहीं हुई। यहाँ सभासद और विधायक से मुलाकात की बात? सभासद से और विधायक जी से इस समस्या को कई बार जन समस्या समझ के रूबरू कराया गया, लेकिन कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं। सरम जी का घर बगल में जी, यहाँ से आधे किलोमीटर है, उसका भी रोड का ये, उसके बावजूद सड़क का ये हाल है। सीवर कभी कभी सीवर भी ओवरफ्लो होता था, फिलहाल सीवर की समस्या से थोड़ी राहत। कितनी यहाँ आबादी होंगी इस रोड पर? 15,000 से 20,000 आबादी इस रोड पर निर्भर करती है।